आम की मुख्तलिफ अकसाम की बागात के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर प्रदेश के किसानों ने अब बाकायदा आमदनी के लिए लीची के बागात लगाने का काम शुरू कर दिया है। लीची में कम या ज्यादा मुस्तकिल बुनियाद पर फल आते हैं, जबकि आम के पुराने अकसाम के बाग में आम के एक साल में फल देता है और दूसरे साल फल नहीं देता, जिसकी वजह से आम से मुस्तकिल आमदनी की गारंटी नहीं है। नेशनल लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर विशाल नाथ के लीची के बागात लगाने के सिलसिले में किसानों को दी गई तरबियत और बेदारी की वजह से हालिया बरसों में बड़े पैमाने पर बागात लगाने का काम तेज किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी लीची लगाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 30 अजला लीची के बाग के लिए मौजू हैं। इन अजला की मिट्टी बलाई दोमट है और आबो हवा सब ट्रॉपिकल है और जो लीची फसलों के लिए मौजू है। जिन अजला में लीची के बागात लगाए जा सकते हैं उनमें गोरखपुर, किशन नगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शहरानपुर, हापुड़, शामली और बिजनौर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किसान लीची की आला अकसाम शाही, चाइना, बेदाना, गंडाकी, संपादा और गंडाकी लिलीमा लगा रहे हैं। लीची रिसर्च सेंटर ने हालिया बरसों में गंडाकी, संपादा और गंडाकी ललीमा की किस्म तैयार की है। इन इलाकों में किसान हेजरो निज़ाम यानी 8 गुना 4 मीटर पर पौधा लगा रहे।